हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी रिसर्च आर्टिकल में से किसी इमेज को लेकर के और हम उसको अपने पेपर में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी उसका राइट एंड परमिशन का क्या प्रोसेस है परमिशन लेने का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई इमेज डिसाइड करनी होती है जिसको हम अपने पेपर में यूज़ करेंगे। सपोज हम ये इमेज है जो हम अपने पेपर में यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेट राइट एंड कंटेंट्स पे क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आई वुड लाइक टू रीयूज इन ए जर्नल और मैगजीन। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप ये इमेज कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में करना चाहते हैं या किसी बुक में यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। इसको फिल करने के बाद आएगा आई एम द ऑथर ऑफ दिस एल्सवियर आर्टिकल, क्या आप इस आर्टिकल के ऑथर हैं, इफ यस अदरवाइज नो। देन आई एम एन एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आई विल बी ट्रांसलेटिंग नो द इंटेंडेड पब्लिशर इन न्यू, कि आप इसको किस पब्लिशर के जर्नल्स में इसको छापना चाहेंगे। एम डी पी आई का जर्नल में हम इसको यूज़ करेंगे इस इमेज को। एंड देन आई वुड लाइक टू यूज़ फिगर ओनली, और यू कैन यूज फिगर टेबल कंटेंट और होल आर्टिकल ऑल्सो। नंबर ऑफ फिगर्स I want to use only one figure of this journal. This option is also comes after that. My format is both print and electronic. Next, we continue. Then name of article. That means कितने article का क्या नाम आप रखना चाहते हैं। कॉपी जिसमें आप इसको पब्लिश करेंगे, लीडिंग ऑथर का नाम, एंड देन दिस इज नॉट मैंडेटरी, टाइटल ऑफ टैग जर्नल, नेम ऑफ जर्नल, सस्टेनेबिलिटी और एक्सपेक्टेड पब्लिकेशन अप्रैल 2022, कंटिन्यू। देन ऑर्डर वन, पर्सन डिस्क्राइब द फिगर इलस्ट्रेटेड टू बी यूज इन आइडेंटिफायर, नेम ऑफ ये फिगर हम यूज करना चाहते हैं, रेगन प्लॉट है। रेगन प्लॉट कंटिन्यू। देन दिस इज योर ऑर्डर फॉर पब्लिकेशन, एग्री टर्म एंड कंडीशन, एंड हियर यू कैन सी $0। ओके, एक्सेप्ट, देन हियर यू कैन सी दैट यू हैव ऑर्डर्ड दिस इमेज एंड नाउ यू हैव फुल राइट to publish this image in your article, printable material. Then you need to download or put this information when journal asks for it. Thank you.